नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से इस केस में अब धीरे धीरे एक एक कड़ी सुलझती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जिस तरह से श्रद्धा का जो मुजरिम यानी कि आफताब अमीन पुनवाला, जो श्रद्धा का लिव इन पार्टनर, उसका बॉयफ्रेंड भी है, जिस तरह से उसने श्रद्धा वालकर की पहले जान ली और फिर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर दिल्ली के मेहरौली के जंगल में फेंक दिए, यहाँ पर लगातार जिस तरह से पुलिस छानबीन कर रही है और आफताब को धीरे धीरे सज़ा के और करीब पहुँचा रही है। इस सज़ा के और करीब पहुँचाने में कहीं ना कहीं आफताब के खिलाफ कई सबूत दिल्ली पुलिस जुटा चुकी है, जिनमें श्रद्धा की बॉडी के पीसेस, वो चाकू जिनसे श्रद्धा पर हमला आफताब ने किया, और अब जो सबसे बड़ा सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका है वो है डीएनए रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर से उन हड्डियों का डीएनए मैच हो चुका है जो मेहरौली के जंगल से पुलिस ने बरामद की थी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि वो हड्डियां श्रद्धा वालकर की ही हैं। तो आफताब का जो सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है और पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ा एविडेंस लग चुका है। अब इसके बाद पुलिस का जो अगला कदम है वो है पोस्टमार्टम। जी हाँ, आपको बता दें कि अब श्रद्धा वालकर का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके लिए श्रद्धा की बॉडी को दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटल यानी कि एम्स हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जिसके लिए लगभग तैयारी पूरी की जा चुकी है। जहां एक ओर पोस्टमार्टम के लिए श्रद्धा की बॉडी को एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब पुलिस लगातार आफताब के परिवार की तलाश भी कर रही है। तलाश की इस कड़ी को पकड़ते हुए दिल्ली पुलिस आफताब के घर जा पहुंची। आफताब के घर पहुंचने के बाद कई फिर से शुरुआती रूप से जांच की गई। जी हाँ, इस बार आफताब के फ्लैट नहीं बल्कि आफताब के घर पुलिस पहुंची। ये वो घर है जहां पर आफताब का परिवार रहता था। हालांकि आफताब का परिवार यहां से शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट होने के बाद आफताब का परिवार अब कहाँ रह रहा है, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। लेकिन पुलिस यहाँ आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है, आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आफताब किस तरह का शख्स था। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आफताब का परिवार कैसा था और यहाँ पर आफताब का परिवार जो है उनकी इमेज आसपास के लोगों के बीच कैसी थी। इसी के साथ आखिरकार परिवार कब शिफ्ट हुआ और क्या परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर आस पड़ोस के लोगों ने कोई ऐसी हरकत ऑब्जर्व की हो जो नॉर्मल ना हो, इसी के साथ और भी तमाम तरीके के जो सवाल हैं उनके जवाब भी वहाँ पर खंगालने के लिए पुलिस पहुँची। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस खाली हाथ नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आखिरकार क्या वजह है, क्यों आफताब का परिवार अचानक से गायब हो गया है, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। यहाँ पर अगर श्रद्धा के पिता विकास वालकर के बयान पर ध्यान दें जो उन्होंने बीते 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था, तो उस बयान में श्रद्धा के पिता ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी बेटी के खिलाफ जो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है उसमें जो जो भी शामिल है उसके खिलाफ जाँच हो। यहाँ पर साफ तौर पर श्रद्धा के पिता विकास स्वालकर ने आफताब के परिवार का नाम लिया, जिसमें उन्होंने उनके माता पिता, आफताब का भाई और उसके दोस्तों का भी नाम शामिल था। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा के पिता को यह पूरा शक है कि इस केस में आफताब का परिवार भी शामिल है। आखिरकार और ऐसा क्या कुछ है इस केस में जो लगातार हर किसी को परेशान कर रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ श्रद्धा के पिता विकास वालकर कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि अब आफताब के मन में लगातार सजा का डर देखने को मिल रहा है और अब ये डर इस कदर बढ़ चुका है कि अब आफताब खुद को सजा से बचाना चाहता है। जी आपको बता दें कि आफताब ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका को आने वाले शनिवार तक के लिए पेंडिंग रख दिया गया है और आगामी शनिवार यानी कि कल आफताब की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। सवाल लगातार हमारा आपसे यही बना हुआ है कि क्या आफताब जैसे जघन्य अपराधी को बेल मिलनी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको वीडियो दिखाएंगे कि आखिरकार आफताब को लेकर और उसके परिवार को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं श्रद्धा के पिता विकास वालकर, तो देखिए ये वीडियो। नमस्कार, आप सभी का
धन्यवाद करता हूँ। मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी, इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे भी मिलके आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरीट सोमैया जी, इन्होंने मेरी घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की, उस वजह से